नमस्कार किसान भाइयों, मैं हरियाणा से हूँ मेरा नाम जितेंद्र है और मैं भी अब यहाँ अपने ट्वेल्व पे खेतों पे बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे हम ट्रैक्टरों से सोलटेक के इम्प्लीमेंट्स हम चला रहे हैं अपने खेत के अंदर जुताई कर रहे हैं उनसे एक एमबीप्ला प्लाउ है और रूटर वेटर है तो दोनों से मैं काम करके आया हूँ अभी बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा चल रहा है बाकी बहुत अच्छी जुताई कर रहा है गहराई बहुत अच्छी है इसके अंदर इतनी अच्छी गहराई है कि कम से कम चार पाँच इंची की गहराई देता है मिट्टी बहुत अच्छी बारीक कर रहा है डीजल की खपत बहुत कम कर रहा है ट्रैक्टर भी लोड नहीं ले रहा बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि हम ट्रैक्टर चला रहे हैं ऐसे चल रहा है जैसे हम रोड पर आराम से चलते हैं उस तरह से चल रहा है और ये जो एम बी पुलाव एम बी पुलाऊ भी मैंने चलाया अभी अभी चला के आया हूँ तो उसमें बहुत अच्छा पुलाऊ चल रहा है लोड ही नहीं पड़ रहा ट्रैक्टर पे मिट्टी बहुत अच्छी बदल रहा है जो ऊपर की मिट्टी है वो नीचे आराम से जा रही है बदल 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 जाती है नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और इसके बाद जो हमारी इसमें पेंट कलर बहुत अच्छा इतना अच्छा कलर है कि बहुत अच्छा लगता है ट्रैक्टर के साथ और खेत में चलता हुआ बहुत अच्छा लगता है जो हमने इसमें नट वोल्ट हैं कंपनी ने यूज़ किए हैं बहुत अच्छे हैं जो ब्लेड हैं वो भी अच्छी कंपनी के हैं इसमें जो ब्लेडों की घिसाई होती है घिस जाते हैं चलने के बाद तो तो उनमें भी ऐसी कोई अच्छे टाइम तक चल जाते हैं काफ़ी लंबे समय तक इतना नहीं है इतनी जल्दी घिसते हैं बहुत अच्छी कंपनी के ब्लेड हैं मैंने चार साल पहले सॉल टैक का रूटर वेटर लिया था डैम मैंने उसको यूज किया चार साल उसमें कोई ऐसा ना तो मेंटेनेंस है ना कोई ख़र्चा है ना कोई पेंट की कोई दिक्कत है बहुत अच्छा अभी कलर तक नहीं गया उसका चार साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ चार साल के अंदर एक बार उसके ब्लेड घिस गए वो मैं उसकी बार चेंज कराएँ वरना चार साल में उसका और कोई मेंटेनेंस है नहीं बाकी सर्विस ऑयल फीलिंग उसकी टाइम से करता हूँ हर साल हर साल ऑयल फीलिंग करता हूँ उसकी तेल चेंज कर देता हूँ और फिर वो इसी तरह से साल से साल चलता है उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही बहुत अच्छा चल रहा है आज मैंने कुछ सॉल टेक के एम बी प्लाउ चलाया कुछ और भी इम्प्लीमेंट्स आए हैं जैसे कि लेज़र लेबलर सुपर सीडर हैरों कल्टीमीटर ना तो तेल की खपत ज़्यादा हो रही है एम बी भी चला है बहुत अच्छा ना उसमें कोई ऐसा मेंटेनेंस उसमें कोई मेंटेनेंस भी नहीं ना खर्चा ज़्यादा सालों साल चलता है आराम से बहुत अच्छा चलता है उसमें इतनी जल्दी कुछ नुकसान भी नहीं होता कोई भी किसान भाई कृषि यंत्र लेना चाहता है तो सोल कर ले अपने नजदीकी डीलर से डेमो ले सकता है धन्यवाद